का जो टिप्स एंड ट्रिक्स वाला वीडियो है, ये वीडियो टिप्स एंड ट्रिक्स वाला नहीं है, ये बिगिनर्स गाइड जैसा ही सोच लो। अगर आप नए नए वारजोन का प्लेयर हो, कॉल ऑफ ड्यूटी वारजोन जो एक फ्री गेम है उसका प्लेयर हो, तो आपको इसे ध्यान से सुनना चाहिए। ऑलराइट गाइस, दिस इज हॉट डॉगी के प्राइम किंग, स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल में। तो आज हम बताने वाले हैं वारजोन का कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो मैंने खुद समझा है। जैसे कि मैं एक अच्छा प्लेयर नहीं हूँ वारजोन का, और मैं भी बिगिनर्स हूँ, तो मैंने बहुत सारे इंटरनेशनल वीडियोस देखा जिसमें वारजोन का कुछ बहुत बढ़िया टिप्स एंड ट्रिक्स दिए हैं उन लोगों ने, पर वो प्रो लोगों के लिए है। पर हमारे जैसे जो बिगिनर्स है वारजोन में, इंडिया में कोई हिंदी टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियो नहीं है, तो मैंने सोचा ये वीडियो बना लूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे टिप्स एंड ट्रिक्स। वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि हमारे चैनल में एक GTA 5 का गिव अवे हो रहा है, तो आप कृपया करके जाकर डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है उसे दबाइए और उस वीडियो में जाकर एक लाइक दबा दीजिए, पूरा वीडियो देख लीजिए और एक सब्सक्राइब करके एक यूनिक वाला कॉमेंट कीजिए आपको GTA 5 क्यों फ्री में चाहिए। टिप नंबर 5, हमेशा आप प्लेन से जंप करने के बाद अपना जो पैराशूट है वो बार बार खोलिए और काट दीजिए। इससे क्या होगा, आप ओपोनेंट टीम का आधा आर्मर पिस्तौल से डायरेक्ट एयर टू एयर फायर करने के बाद आधा या पूरा आर्मर तो उड़ा सकते हैं, आप डाउन नहीं कर सकते क्योंकि आप बिगिनर हो, पर आधा आर्मर तो ले सकते हैं। इससे आपको दो एडवांटेज मिलेगा, पहला तो आप ओपोनेंट टीम का कोई भी बंदे को नॉक कर सकते हो, दूसरा आपका गन कंट्रोल इतनी स्पीड में बहुत बढ़िया होगा और आपका खुद का रिफ्लेक्स बहुत ज़्यादा बढ़िया होने वाला है। टिप नंबर 4, अगर तुमने 300 या 250 मीटर दूर या फिर 400 मीटर दूर किसी बंदे को स्पॉट कर लिए, तो तुम तुरंत अपने गन का सिंगल बुलेट वाला ऑप्शन पे स्विच कर लो। अगर तुम्हें नहीं पता कैसे करते हैं, वो होते हैं बी ऑप्शन से। अगर बी में दबा देते हो तो अपना गन सिंगल बुलेट में स्विच हो जाता है। इससे क्या होगा, ओपोनेंट का जो ऑटोमेटिक बुलेट्स है वो तुम्हारे बॉडी में 30% लगने का चांस है, जहाँ पर तुम्हारे जो बुलेट्स होंगे वो उसके बॉडी में 90% लगने का चांस है। अब तुम्हें यहाँ पर ये ख्याल रखना है कि तुम्हारी बॉडी फ्लिंच हो सकती है जब तुम शॉट मारो, ठीक है। जब ओपोनेंट बंदा तुम्हारे गांव में शॉट मारे तो तुम्हारा बॉडी फ्लिंच हो सकते हैं, उससे ज़्यादा उस बंदे को फ्लिंच होगा जो तुम्हें शॉट मार रहा है, क्योंकि तुम्हारा शॉट ज़्यादा एक्यूरेट है। इसे तुम्हें प्रैक्टिस करके ठीक कर लेना है। टिप नंबर 3, कोई भी गन तुम यूज़ कर रहे हो जो तुम्हारा सबसे फेवरेट या फिर तुम बहुत ज़्यादा अच्छा यूज़ कर सकते हो, उसका रिकॉयल कंट्रोल करना सीखो। वो कैसे करते हैं, तुम या फिर वारजोन प्रैक्टिस में आओ या फिर कोई भी प्राइवेट मैच लगा लो अपने दोस्तों के साथ, उसके बाद कोई भी वॉल के पास आओ और तुम लोडआउट मंगवाओ। उससे तुम हर एक लोडआउट का जो गन है उसे वॉल में टेस्ट करो, जैसा आप वीडियो में देख रहे हो। ऐसे करने से क्या होगा, तुम्हें अपना रिकॉयल का ध्यान आ जाएगा बोथ हिप फायर में और ADS में। टिप नंबर 2, तुम्हारे लोडआउट में सबसे बेकार वाला जो गन है उसे यूज़ करना सीखो। पहले उसे लो अपने लोडआउट में, वो स्नाइपर हो, SMG हो, मार्क्समैन हो या फिर शॉटगन हो, उसे लो, उसके बाद उसे बार बार यूज़ करो। अगर तुम उस गन को यूज़ करने में माहिर हो जाते हो तो फिर अच्छे रिकॉयल वाला जो गन होगा उसे यूज़ करना तुम्हारे बाएँ हाथ का खेल होगा। इसे इस ट्रिक को यूज़ करो तो तुम बढ़िया होने वाले हो बैटल रॉयल में। लास्ट टिप, टिप नंबर 1, अगर तुम बैटल रॉयल खेल रहे हो और अगर तुम्हारे पास 100 मीटर दूरी में कोई भी बंदा है तो उसके कम से कम 60 मीटर दूरी तक जाओ, या फिर अगर कोई बंदा बहुत पास है और वो अनडिटेक्टेबल कर किया, मतलब तुम्हें डिटेक्ट नहीं कर पाया, तो अगर तुम्हारे पास डेड साइलेंस है उसे यूज़ करो और उससे ठीक 60 मीटर या 70 मीटर भाग जाओ, उसके बाद उसको शॉट लो। तुम्हारा शॉट एकदम परफेक्ट होगा और तुम्हें उसे जल्दी से जल्दी मार पाओगे। ये मेरा लास्ट वाला टिप था। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और अगर आप इसका Part 2 चाहते हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट करो यार, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक दबा दो और सब्सक्राइब मार दो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, लव यू ऑल, बाय। Not over yet. Your team can still buy your release. Not that one, but we'll come back stronger next time.